क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं ऐसी जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, आप मिस ना कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के ऐसे वर्जन के बारे में। जैसे व्हाट्सएप में बहुत से वर्जन हैं, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस है, व्हाट्सएप मीटा है, व्हाट्सएप है, इस तरह। आज मैं आपको जो उसका वर्जन बताऊंगा, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत ही कमाल का, उसको फुल आप एडिट कर सकते, अपनी मर्जी से व्हाट्सएप की पूरी सेटिंग कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी से उसका थीम, उसके फ्रंट लुक सब अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा व्हाट्सएप, ठीक है। देखें इसका आइकन भी मैंने अपनी मर्जी से सेट किया हुआ है गोल्डन कलर में। अब इसका आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने इसका फिंगरप्रिंट्स कंफर्म किया हुआ है। देखें ये, देखें इसका फ्रंट पेज, देखें कैसा है। ऐसा आपने पहले किसी व्हाट्सएप में भी नहीं देखा होगा, कितना खूबसूरत है, ठीक है। अभी देखें इसमें, थ्री डॉट पे हम क्लिक करते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फाउंड मोड है, फाउंड मोड में जाते हैं तो थीम एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हम अपना मर्जी से इसका थीम रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, यानी जो स्क्रीन है इसकी अपनी मोबाइल की जो वॉलपेपर लगा हुआ है या थीम, वो थीम शो होगा इसमें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट में। उसके बाद कस्टम थीम, ठीक है, लाइट थीम, इस तरह हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आ गए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो इसमें जाके देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है फ्रीज लॉस्ट सीन, ठीक है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो उसके बाद कोई बंदा हमें नहीं देख सकता, हम ऑनलाइन हुए या नहीं, जो हमारा लास्ट सीन लास्ट था पहले, इसको ऑन करने से पहले, ठीक है, वो वहीं रुक जाएगा, वही शो होगा लास्ट सीन। उसके बाद हम कितनी बार ऑनलाइन हुए नहीं हुए वो शो नहीं होगा किसी को, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएं, डिसेबल फॉरवर्डिंग, अलाउ टू यूज सेंड मैसेज विदाउट फॉरवर्ड टैग। हम कोई भी मैसेज सेंड करेंगे वो फॉरवर्ड टैग शो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद यह होकलाइन कॉल मी, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी मेरे कॉन्टैक्ट में जो नंबर हैं मैं अपनी मर्जी से जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो, या नो बॉडी, ठीक है। तो मैं एवरीवन पे रखा हुआ है, यानी कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कस्टम प्राइवेसी, आप अपनी मर्जी से प्राइवेसी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए हाइड व्यू स्टेटस, डोंट टेल कॉन्टैक्ट दैट द हैव व्यूड देयर स्टेटस, ओके। इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा स्टेटस जो है कोई बंदा नहीं देख सकता, ठीक है। उसके बाद वाला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटी डिलीट स्टेटस, इसको तो मस्ट ऑन रखना चाहिए, बहुत ही प्यारा फ्यूचर है ये। इसका ये है कि कोई बंदा अगर स्टेटस लगाता है, कोई किसी ने वीडियो लगाई, कोई टेक्स्ट लगाया, कोई भी लगाया, उसने उसको डिलीट कर दिया, फौरन ही डिलीट कर दिया बेशक, ठीक है, तो वो स्टेटस फिर भी आपको शो होगा। 24 घंटे के अंदर आप वो स्टेटस देख सकते हैं, 24 घंटे तक आपको स्टेटस फिर भी शो होगा, चाहे उसने डिलीट फॉर एवरीवन किया या स्टेटस तो है डिलीट फॉर एवरीवन नहीं होता, ठीक है। इसलिए तो स्टेटस को फिर भी शो होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट ऑप्शन है एंटी डिलीट मैसेज, ये भी बहुत प्यारा फ्यूचर है। देखें अगर कोई भी बंदा आपको मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद उसी टाइम डिलीट कर देता है, ठीक है, अगर और डिलीट फॉर एवरीवन भी कर देता है फिर भी वो मैसेज आपको शो होगा, ठीक है, आपकी तरफ से वो मैसेज डिलीट नहीं होगा।
चाहे वीडियो है, फोटो है, चाहे मैसेज कोई भी है, टेक्स्ट है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। उसके बाद है शो ब्लू ट्रिक्स आफ्टर रिप्लाई, कंटेक्स्ट चेंज, प्राइवेसी सेटिंग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टाइपिंग हाइड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड, इस तरह अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बैक आते हैं, उसके बाद है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योर सॉरी FM थीम, ठीक है। इसमें हम थीम, कोई भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, को अपनी मर्जी से थीम को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में कलर्स हैं, ठीक है, चेंज कलर एवरीवेयर इंक्लूडिंग, देखें सॉलिड ग्रेनाइट, यूनिवर्सल एक्शन बार टेक्स्ट कलर, इधर हम उनका कलर अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं ये कलर रखता हूँ, ये देखें। इनेबल वॉलपेपर, हम वॉलपेपर भी इनेबल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। स्टेटस बार उसके बाद नेविगेशन बार, उसका कलर हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद चार्ट डिवाइडर है, ठीक है, सेट लाइन कलर बिटवीन चैट, ठीक है, हम वो अलग अलग कलर सेट कर लेंगे, हम 5-6 बंदे जिससे भी चैट कर रहे हैं वो अलग अलग लाइन उसकी शो होगी, ठीक है। उसके बाद हम बैक जाते हैं, ठीक है, स्टाइल लुक एंड फील, इसमें हम फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, हम एजी वेरिएंट, लॉन्चर आइकन, ठीक है, ये लॉन्चर आइकन पे देख, ये हम व्हाट्सएप का कोई भी एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है गोल्डन कलर का, ठीक है। उसके बाद चेंज नोटिफिकेशन आइकन, अगर नोटिफिकेशन आता है वो कौन सा आइकन आए, तो उसमें भी आप अपनी मर्जी से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसा मैं ये सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बैक जाते हैं, हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, इससे जाके हम अपनी फोटोज, वीडियोस, गिफ्ट हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इफ मीडिया स्टिल डज नॉट शो इन गैलरी, रिस्टार्ट योर फोन, ठीक है, अगर आपका मीडिया शो नहीं होता इसको ऑन करने से भी, ठीक है, दोबारा, तो उसको मोबाइल रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है बैकअप एंड रिस्टोर, आप अपना बैकअप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है सेटिंग, यानी इसके बहुत फ्यूचर हैं, आप अपनी मर्जी से सारा सेट कर सकते हैं। मैं पूरे फ्यूचर बताने बैठ जाऊँ तो शायद 1.5 घंटे की वीडियो बने, तब भी मैं नहीं बता सकता, इतने फ्यूचर्स हैं इसमें, तो मैं आपको मेन फ्यूचर इसके बताता हूँ। उसके बाद इसका बहुत प्यारा फ्यूचर है, ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेट चल रहा है, हमको गेम खेलने हैं जो ऑनलाइन चलती हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ऑफलाइन रहे, ठीक है, हमारा नेट चले और व्हाट्सएप ऑफलाइन रहे, तो हम ये माइनस वाला निशान है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे, ठीक है, देखें ओके करूँगा तो मेरा व्हाट्सएप जो है वो एरोप्लेन मोड पे चला गया, ठीक है। अभी व्हाट्सएप मेरा जो है वो ऑफलाइन है, ये देखें कोई लास्ट सीन कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन नेट मेरा चल रहा है, ठीक है। मैं दूसरे ऑप्शनों में, दूसरी जगहों में, हर जगह मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ, इधर से मेरा ये ऑफलाइन। अगर मैं चाहता हूँ इसको दोबारा ऑनलाइन करना, तो मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो मेरा व्हाट्सएप दोबारा चल जाएगा, ठीक है। ये देखें स्टेटस, ठीक है, ये देखें मुझे जो जो ऑनलाइन हो रहा है उसका आ रहा है मुझे, ये देखें लास्ट सीन भी शो हो गया अभी। उसके बाद हम ये नीचे जो आपको बाहर नज़र आ रही है, इसमें ये है कस्टम सेपरेट वीडियो, हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 10, 20, 30, 40, 50 MB की, जितनी मर्जी हम बड़ी वीडियो लगाना चाहें हम अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टेटस है हमारे, मसलन
जो स्टेटस मैं कोई भी स्टेटस को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ बहुत इजीली। मैं देखता हूँ ये एक दोस्त ने मेरे ने स्टेटस लगाया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। तो ये देखें इसके नीचे एरो का निशान आ रहा है, मैं एरो के निशान पर क्लिक करूँगा तो देखें ये सेव टू गैलरी, ये स्टेटस सेव हो चुका है मेरे पास, वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे कॉल्स पे। ठीक है, तो इधर आके हम अपना कॉल लॉग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कौन हमें मुझे कॉल कर सकते हैं कौन नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से, मैं एडिट कस्टम कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैं और मेन फ्यूचर आपको बताऊँ जो मुझे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही पसंद आए हैं। ठीक है, हम चैटिंग के दौरान इधर से ही हम प्ले कर सकते हैं अपना म्यूज़िक। ठीक है, ठीक है, उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ उसके ऊपर ही शो होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो मैं आपको फंक्शन बताने लगा, जैसे मैं कोई भी खोल लेता हूँ दोस्त को। ठीक है, सॉरी मैं चैटिंग वाले में ऑप्शन में आके मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं कि इसको मैसेज लिखता हूँ कोई भी। ठीक है, जैसे कोई भी मैं, उसके बाद ये जो ऊपर निशान शो हो रहा है, ठीक है, जीपीएस की तरह का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखें, इसके बाद ये सेंट टेक्स्ट, ये फैंसी टेक्स्ट बिल्कुल राइट साइड में आ जाए, फैंसी टेक्स्ट का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद देखें ये मेरे पास फैंसी टेक्स्ट का है, जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा जो मैंने लिखा है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेट कर सकता हूँ फैंसी टेक्स्ट पे जाके, किसी पे भी क्लिकूँगा ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद इमोशंस हैं, ठीक है, वो मैं सेंड कर सकता हूँ। उसके बाद एक और बड़ा फीचर, मैं चाहता हूँ किसी का व्हाट्सएप में हैंग कर दूँ या किसी को तंग करने के लिए किसी दोस्त के साथ शरारत करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सेट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इधर मैं सिलेक्ट कर लूँगा मैसेज की क्वांटिटी, तादाद, यानी मैं उसको 500,000, 5,000, 5,00,000, 5,00,000,000 जितनी मरतबा मैं चाहे उसको एक ही मैसेज इतनी बार सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 100 मरतबा सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, लिखने के बाद ठीक है बॉम टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं बॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये जो लिखा है, तो 100 मैसेज उस बंदे को सेंड हो जाएगा एक साथ। तो इस तरह अगले का व्हाट्सएप मैसेज में 500,000, 2,000, 5,000 का देता हूँ, इस तरह एकदम उसको मैसेज आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका व्हाट्सएप हैंग हो जाएगा या उसको फाइल भी करप्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखें, देख ये कितने पूरा 100 मैसेज उसको जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये देखें, जब तक ये 100 मैसेज नहीं होगा नहीं रुकेगा, ये जा रहा है अभी। इस तरह मैं 500,000 जितने सेलेक्ट करूंगा उसके बाद करूंगा, ये जा रहे हैं उसको। ये देख, जब तक 100 नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद हम इधर से क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अगर हम अभी बॉम टेक्स्ट नहीं नॉर्मल चैटिंग करना चाहते हैं तो उधर से क्लोज का ऑप्शन। ठीक है, और इस तरह इसमें इतने इतने प्यारे फ्यूचर हैं, आप खुद चेक कीजिएगा। ठीक है, आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पहले व्हाट्सएप को जो है
आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, आप उस पर बैकअप लगा लें, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करके फिर ये इंस्टॉल होगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें आप करें और यूज़ करें, चेक करें। उसके बाद देखिए मैं तीन डॉट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है रिस्टार्ट व्हाट्सएप का, ठीक है। रिस्टार्ट व्हाट्सएप पे हम क्लिक करेंगे, हमारा अगर व्हाट्सएप हैंग हो जाता है कभी कुछ तो हम रिस्टार्ट करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप रिस्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है शेड्यूल मैसेज का, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना प्लस पे क्लिक करके हम चाहते हैं अगर रात को 2 बजे मैंने फलां बंदे को मैसेज करना है, ठीक है, और मैं 2 बजे तक नहीं जा सकता, मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर उसका नाम लिख के, ठीक है, जो है उसको ऐड करेंगे इधर, उसके बाद मैसेज जो है वो टाइप करेंगे, उसके बाद डेट, ठीक है, जिस टाइम डेट मसलन आज की डेट में मैं रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं 2 बजे का सेलेक्ट करना है तो अभी मैं कर रहा हूँ तो उसकी अगली डेट सेलेक्ट करके फिर मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, 2 बजे या 1:30 बजे, उसके बाद शेड्यूल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद शेड्यूल बन जाएगा और लग जाएगा और रात को 2 बजे ऑटोमेटिक फिर वो मैसेज उसको सेंड हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है। उसके बाद देखें हम आ जाएंगे ऑटो रिप्लाई मैसेज, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद अगर हम इसको ऑन करने के बाद इधर हम अपना ऑटो रिप्लाई में मैसेज जो लिखना है लिख के सेट करके रख लेंगे, ठीक है। डिले इन सेकेंड जितना है, बूथ, ग्रुप, कॉन्टैक्ट, जिसमें भी हम ऐड करके जो आप इसकी डिटेल पूरी ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम बिजी हैं किधर हैं, कोई भी हमें मैसेज करेगा ऑटो रिप्लाई उसको चला जाएगा जो हमने भी सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका हम नेक्स्ट फ्यूचर में आते हैं, मैसेज नंबर पे हम क्लिक करेंगे। इसका क्या है, हम किसी नंबर को भी व्हाट्सएप में ऐड किए बगैर हम डायरेक्ट एड्रेस नंबर लिख के उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका हमारे व्हाट्सएप में ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्यूचर में चलते हैं, ठीक है। ग्रुप वगैरह हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट है, ये व्हाट्सएप वेब जो है इस पर क्लिक करके हम कोई भी वेब जो है इसको स्कैन करके उधर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ये बार कोड स्कैनर है, ठीक है, किसी वेब का भी हम उसको कोड दे सकते, टू यूज़ व्हाट्सएप वेब टू गो टू वेब whatsapp.com योर कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह हम किसी के व्हाट्सएप का भी बार कोड वाला ऑप्शन लेके उसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीन डॉट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। सेटिंग में आके वही जो हमारी जो दूसरे व्हाट्सएप की सेटिंग है वो नॉर्मली ये सेटिंग इसमें शो होगी, ठीक है, वही सिस्टम है। इस तरह इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर है, मुझे तो इतना ज़बरदस्त लगा है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं सोचा अपने दोस्तों को बताऊँ, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, इसको मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से इंस्टॉल कर लें, ठीक है, और इसको यूज़ करें, ठीक है, और बताइएगा कमेंट्स में आपको ये कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।